हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। आइए ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों इस प्रकार है कि मैं आप लोगों को दो दोस्तों का किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब इससे मिला, आप देख रहे हो ये बड़ा बदमाश है दोस्तों। मैं जब इससे मिला तो मैं एकदम इसका रेड कलर को देख के मैंने इसे पसंद कर लिया। तो मुझे लगा कि ये एकदम रेड रोज का जैसे दिखाई दे रहा था, फ्लावर जैसे, रेड रोज का जैसे दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको पसंद करके ले लिया। तो मैंने सोचा कि मैंने तो इसे ले लिया तो फ्लावर समझ के, तो फ्लावर से मिलता जुलता नाम मैं इसका क्या रखूं। तो सोचते सोचते मेरे को एक नाम याद आया, पुष्पा। तो मैंने इसका नाम रखा पुष्पा। तो इसने क्या सोचा, अच्छा तुम मेरा नाम पुष्पा रखते हो, मैं भी देखता हूँ तेरे को। सोच के मुझे इसने रास्ता में एक्सीडेंट करा दिया भाई। एक्सीडेंट करा के मेरा ये कंधा टूटा दिया। कंधा टूटा के इसने क्या किया, मेरे के पुष्पा बना दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे के ये बात सोच के बहुत दुख लगता है दोस्तों। मैं क्या करूं, हाय 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 हाय। वाह क्या सीन है दोस्तों। ये तो था मजाक मस्ती, कभी कभी मजाक मस्ती भी करने पड़ता है इंसान को। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आज का मुद्दा ये है कि मैंने फ्लिपकार्ट से बोया का वायरलेस माइक मंगाया था, तो उसी को मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग तो नहीं कहूँगा, मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका था कि मैंने फ्लिपकार्ट से बोया का माइक लिया बोल के आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा बोल के आज उसी उद्देश्य से ये मैंने ब्लॉग बनाया है। तो मैंने ये बोया का माइक मंगा के सही किया ना नहीं किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैंने ये बोया का जो वायरलेस माइक है फ्लिपकार्ट से मंगाया। फ्लिपकार्ट में इसका दाम था 13141। तो अमेजन में मैंने सर्च करके देखा था, इसका 14,000 से ऊपर था, 14500 ऐसे कुछ था, अभी मेरे को इतना याद नहीं है, मतलब 14,000 से ऊपर में था। तो मैंने इसे मंगाया, इसे मंगा के ठीक किया ना नहीं किया आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इससे भी आप लोग अगर सस्ता में मंगाने चाहता है तो आप लोग एक वेबसाइट में जा सकते हैं, वो वेबसाइट का नाम है फोटो भाटिका। आप लोग गूगल में जाके फोटो भाटिका सर्च कीजिए, उसमें ये आ जाएगा आपका वायरलेस माइक। वहाँ से आपको 12,000 का अंडर में आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आज का यही था, थोड़ा वायरलेस माइक लिया, सोचा थोड़ा अपना सब्सक्राइबर व्यूअर्स लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैंने ये माइक लिया बोल के, क्योंकि ये माइक ज़रूरी था। आप लोगों को अगर भीड़ भाड़ में ब्लॉग बनाना है तो बाहर का नॉइस पूरा आ जाता है, तो गाड़ी चला वाला कुछ चिड़िया का साउंड ये सब आ जाता है, और वायर वाला माइक लेके ब्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा सकेगा लेकिन थोड़ा आदत नहीं होने वाला का, मतलब थोड़ा ये लगेगा, आउट लगेगा देखने में। तो ये वायरलेस माइक जो है आप थोड़ा दूर से भी आप बात कर सकते हैं। तो ये वायर वाला माइक है उसका एक तो डिस्टेंस का अंदर में होगा, आपका तार जितना डिस्टेंस का है उसी का अंदर में आप बात कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा दूर, मतलब 100 मीटर तक
का दूरी पर आप आराम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आहूजा का वेयर वाला माइक से, अभी आप लोग सुनेंगे बोया का वायरलेस माइक से। साउंड कैसे लगा, दोनों में क्या अंतर है, आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरा भी दिल खुश होगा, खुश लगेगा मेरे को भी। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने ऑन कर दिया, अब कनेक्ट कर चुका है ये। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने ऑन कर दिया, ये माइक है और ये रिसीवर है दोस्तों, देखिए। अब मैं माइक को यहाँ पर लगाता हूँ। अब आप सुन रहे हैं दोस्तों बोया S2 माइक से। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद नहीं आया है तो मैं क्या करूँ, आप मोबाइल भी तोड़ के फेंक सकते हैं, वो आपका मर्जी का बात है। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है ये साउंड, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। ये बोया S2 माइक, वायरलेस माइक का साउंड है। इसका दोस्तों रेंज है, जो डिस्टेंस का रेंज है वो 100 मीटर है। 100 मीटर का अंदर में ये काम करेगा, 100 मीटर से उस तरफ जाने से काम नहीं करेगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये जो ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसमें ये कनेक्ट करके भी आप इसको अंदर में छुपा दीजिए ऐसे, तो इसको यहाँ पर लगा दीजिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है दोस्तों, आप आराम से बात कर सकते हो। आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं 100 मीटर तो नहीं होगा, फिर भी कुछ डिस्टेंस रिकॉर्ड करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। क्योंकि ये दोस्तों, ये जो जहाँ पर मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ उसके सामने पर हाईवे है, गाड़ी का नॉइज बहुत आ रहा है। अगर बिना माइक का मैं ये करता, रिकॉर्ड करता, तो और ज़्यादा आना था नॉइज, इसका वजह से ये माइक का वजह से थोड़ा कम आ रहा है नॉइज। मेरे को पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज बहुत ज़ोरदार धूप दे रहा है, बहुत गर्मी है दोस्तों। ये मैं करीबन आया हूँ 30 मीटर दूरी पर, ये 30 मीटर होगा। अब मैं इस तरफ जाऊंगा लगभग 30 मीटर। दोस्तों देखिएगा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब 60 मीटर में कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे को मालूम नहीं है, और एल भी हो गया थोड़ा, सादा नहीं, सीधा सीधा नहीं है, एल हो गया, तो एल में हो सकता है कैच नहीं भी कर सकता है। तो आप देखते हैं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। जोर दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वो साइड में लाल वाला बटन है उसमें आप पुश कर दीजिए, आपको सिर्फ पुश ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा साथ में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों, बोया ने ये पैकेट का साथ में ये एक तो पाउच दिया हुआ है, यहाँ पर आप आपका माइक डाल के रख सकते हो। ये बहुत अच्छा पाउच है, बढ़िया पाउच दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का मैं ब्लॉग यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल गोरखा स्टे राइडर। टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद, जय गोरखा।